मैं लड़की का मामा जी, मेरी भाण जी सी। 2 साल पहला जी शादी हुई सी हुशियार नगर, तो ये जरा 2 महीने जोड़े सही ढंग के नाल निकले ने, सही ढंग 2 महीने निकले ने। उस तो बाद निकी निकी गल लैके लड़ाई झगड़ा कुटमार जी होंगी रही करते रहे, असं जाके समझाते रहे, परे पंचायत रिश्तेदार सारे इकट्ठे होंगे रहे। उन्होंने उदो सॉरी फील कर लेनी जे कि इन्हों का ताया से पलविंदर सिंह जी ने सारी जिम्मेवारी चुक ली, अज तो बाद मैं बेच है तुम आने की भी लड़ नहीं, सारे गए मैं वेखागा की करना। उस तो बाद फिर बच्ची दे जिहड़ा कि बच्चा जन्म लैंदा 12 दिन का बच्चा सीगा, उदों भी इन्होंने कुटमार की, तड़के 3 बजे वीडियो आपे बनाउंदे सानू पाउंदे ते फोन करदे कि दुध नहीं बच्चे ने पिया रही। फिर उदे तो 3 महीने बाद बहुत ज़्यादा ही कुटिया, निकी निकी तो हुंदी रही है बहुत ज़्यादा, जिहदियां साडे कोल फोटोआं मैडिकल सब कुछ हैगा। फिर इस तरह लैके हुण थोड़े दिनों तो जिहड़ी आ सानू एक फोन आया 4-5 दिन पहला, जिदन बच्ची का मर्डर हुंदा उह तो 1 दिन पहला बच्ची फोन करदी आ कि मैनू इन्हां ने कुटिया मारिया, सिलेंडर खत्म हो गया तां करके बहुत कुटिया। फिर इन्हें सरबन ने सर हूँ भी मम्मी को रोटी खा ली आ तो मैंने रोटी नहीं दी। सवेरे फिर 7:15 बच्ची का फोन आता कि मैंने इन्हें बहुत ज़्यादा जो कुटिया मारिया, हूँ भी रोटी नहीं दी, मैं 2 दिन तो भुखी हाँ। अद्धे घंटे बाद ही सानू फिर भी नाल दस दिया कि मैं थां धोंदे मीह पिया सीगा, तो सस मेरी कहिंदी जे मोटर चलाई तो मैं तेरे सिर 'च बाल्टी मार देनी है, तो मैं क्या तू बाल्टी मार दी, मैं थां धोना वा। उन्होंने लैके अद्धे घंटे बाद ही वह ताया पलविंदर सिंह जिहड़ा सानू फोन करदे आ कि बच्ची जिहड़ी तुहाडी उह पखे दे नाल टंगी आ, बच्चा रो रिहा, घर वाले घर कोई नहीं। असी जाके जदा 1.5 घंटे बाद इतने पहुँचते हैं, दूर सके 1.5 घंटे बाद बड़ी जदों जद नाल पहुँचे आके वेख्या भी बच्ची जी बैद के उत्ते पैर लगे आ, कोई लमक नहीं सी रही, कोई चादर तक वट तक नहीं पिया, मतलब बाहरों सानू फिर लड़की के दरवाजे घर क्लिप लिपे टुटे सके, क्लिप वाल पुटे सके, इन्हें बाहर मर्डर करता। जदों की डैथ हो गई तो इन्हें उन्होंने एक बहाना बनाने वास्ते उन्होंने टंग दिता। उस दे बाद विच इन्हां ने टेंट लाए ने घर, पर वो कदों मंगाए इहो जिहा जिहड़ा काम हो जाए कदों सानू टेंट सोचदे ने। उस तो बाद जिहड़ी FIR असीं दर्ज करवाउणे बहुत जदोजहद नाल हो गई है, मुंडे नूं असीं अरैसट करवाया उत्थे बहुत जोर ला के, बाकी दोषी भी जिहड़े सारे घर सीगे उन्हां नूं इह क्या गिरफ्तार करो, इन्हां भज्जण साडे सामने कंधां टप्पे ने। असीं हुण मंग करदे हां कि जिहड़े इह धरना लगाया गया सिर्फ इह SHO साहब जिहड़ा अजे तक उन्हां नूं गिरफ्तार नहीं करिया, जदों कि असीं रोज़ आ के इत्थे बहि रहे हां SHO साहब नूं दस रहे भी फलाने थां बंदे बैठे ही नाल जाने हैं, पर सानू कह रहे सबूत दिओ, मैं उन्हूं गिरफ्तार नहीं कर सकता, जदों कि परचा दर्ज हो चुका फिर भी साडे कोल सबूत दी मंग करदे आ। तो हुण असीं जिहड़ा धरना लगाया सानू इंसाफ मिलना चाहिदा, जेकर इंसाफ नहीं मिलता तो इस धरने नूं होर भी वड्डा कीता जाऊगा। इस नाल ये मंग करदे कि इस SHO नूं, इस अड़ियल सुभाव वाले SHO नूं जिहड़ा सस्पेंड करना चाहिए, असीं पुरजोर मंग करदे आ पंजाब सरकार को, DG साहब को, इहनूं सस्पेंड किया जाए तो जल्द तो जल्द उन्हां दोषी नूं गिरफ्तार करके सानू इंसाफ। अज पिछले 6 दिन तो एक भैन की मर्डर किया गया, वो सहुरियां तो सहुरियां वालों मर्डर किया गया, वह दाज की खातर, तो पुलिस ने मर्डर का परचा दर्ज नहीं किया, 306 का परचा दर्ज करता लिंबा पोची कर दी है, और उसके बावजूद भी दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया। तो SHO परिवारक मैंबरों धमकियां दे रहा कि मेरे कोई सबूत नहीं आ, इस तो वड्डा किहड़ा सबूत हो सकता कि एक मर्डर हो गया, एक कतल कर दिता, तो इस तो वध सबूत SHO नूं की चाहिए, वो सबूत का काम आ कोर्ट का, पर SHO जिहड़ा वा ये अपनी ड्यूटी भुल गया, इहनूं इह नहीं पता कि तू लोकां दी सेवा वास्ते आ, ते सेवा जिहड़ी आ वो लोकां दी तू करनी आ, ना कि लीडरां दी जां जिन्हां कोलों रिश्वत लैनी आ जां जिन्हां दे नाल तेरी कोई लै लिया जा। मैं प्रशासन नूं ये बेनती करदा, DSP साहब नूं, SP साहब आ, SSP साहब आ, बड़ा तामझाम आ सरकारां दा, अमृतसर दे विच दिहाती दे विच असीं खड़े हाँ कि तुहानूं ये दोषी नहीं लभ रहा, तुहानूं ये नहीं पता लग रहा कि तुहाडा SHO की कर रहा, कि प्रशासन कुंभकर्णी नहीं सुता आया वा, प्रशासन नूं नज़र नहीं आ रहा कि एक कुड़ी जिहड़ी परमात्मा वल्लों पहलां मारी सी गूंगी बोली आ, ते उहनूं एक कसाईयां ने कुट कुट के मार दिता, तो प्रशासन को पता ही नहीं, अज इन्हां नूं इंसाफ लैण वास्ते विचारियां नूं सड़कां दे उपर आउणा पिया, ते तुसीं इह देखो इह ते मर्डर होया ते इंसाफ लैण वास्ते सड़कां ते आए आ, ते तुसीं सोचो कि जिहड़ी बाकी गुंडागर्दी हुंदी आ, आम बंदे कोई कुटमार करदा उहनां नूं की इंसाफ दिंदे होणगे, मर्डर वालिआं नूं गिरफ़्तार नहीं करदे ते दूसरे बंदे नूं की गिरफ़्तार करदे होणगे। इह बहुत ही पंजाब पुलिस वास्ते शर्म दी गल आ। मैं SSP साहब नूं, DSP साहब नूं बेनती करूँगा कि जल्दी तो जल्दी इत्थे आ के धरने के उपर आ के इन्हों आश्वासन दो, 1-2 दिन के भोग तो पहला उन्होंने गिरफ्तारी करो ता कि उस लड़की की आत्मा को शांति मिले तो उन्हें इंसाफ मिल सके। हाँ जी, ये ना लड़की जो हुशियारनगर के इतने लड़की विआई हुई थी,
छे तरीक नौत हुई थी इस मौके से पहुंचे हाँ तो लड़की के वारसा वालों सू एक लिखती दरखास्त दी थी उस दरखास्त से कार्रवाई करते हुए असी उसे तुरंत पहला परचा दिता है जो भी इन्होंने दरखास्त लिखा जिन्हें इन्हें पांच दोषियों के नाम लिखे थे पंजा के बाई नेम ही परचा करता परचा 306 धारा जी जी प्रीलिमिनरी सानू सामने लास्ट जी लड़की मिली जी पक्के हिसाब से 306 बनती थी अभी मौके से परचा किया उस दिन ही घर वाले की अरेस्ट पाई घर वाला एक दोषी फड़िया गया जी चार दोषियों की पेंडिंग है हाँ जी रिमांड लिया गया पुलिस रिमांड उस तो बाद कोरोना रिपोर्ट आँदी है कोरोना रिपोर्ट आने बाद गुरदासपुर जेल च भेजता जी मैं जी पहला जो इन्होंने आने पहला आया जो इतने थोड़े बंदे से अवतार सिंह जी है मैं अपना मुंशी वड्डा भेजा मैं कहना जाए गल करो इन्होंने बुलाओ मेरे को जो कोई गल है तो मेरे ना करना मैं आया जी सवेरे उठ के मैं इतने आया जो आया बाकी ये 5 बजे सवेरे मैं अज रेड किया अवतार सिंह ने मैं पूछ के मैं क्या भी मैंने कोई इनफॉरमेशन दो जो तुम्हें लगता है भी बंदे कितने ने 2 जगह अज मैं सवेरे रेड करके आया 5 बजे पीड़ित परिवार को यही विश्वास है बंदे की अरेस्ट होगी 100% होगी कितने नहीं मैं उन्होंने जान दिता एक दो दिन के हो जाएगी एक दो बंद टाइम बाउंड तुम मैं दसदा भी आप मेन 15 अगस्त करके थोड़ा ज्यादा हो गया उन्होंने मैंने सारे बंदे भजना पै रहा बट मैं बंदे 2-3 दिन के अरेस्ट हो गए 15 अगस्त मिलूगा हाँ जी परिवार इंसाफ जी उन्होंने परचा अभी करता बाकी अरेस्ट पा के इंसाफ ही दवावे पूरा इंसाफ लिए साड़ी ड्यूटी है इंसाफ दवाना जे इन्होंने लगता मैं उन्होंने नंबर CDR सब कुछ अपने मिसल लिखा है तो सारी कार्रवाई आप जिदा आप साइंटिफिक तरीके लिखते हैं भी CDR भेजी आ जे उन्हों का कोई नंबर ट्रेस हो गया कोई भी हो गया उस वे बंदा फड़िया जाऊ जे कोई तेजे कोई इनफॉर्मेशन दे तो मैं उस वे रेड कराँगा।